पेंड्रा में एक मकान मालिक ने किराएदार युवतियों को घर में कैद कर दिया है और उनका घरेलू सामान जब्त कर लिया है, जिससे वे अपने घर नहीं जा सके। दरअसल निजी कंपनी में काम कर रही युवतियां लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण मकान का किराया नहीं दे पा रही थी और प्रशासन के सहयोग से अपने घर जाने वाली थी। ऐसे में मकान मालिक ने किराया लेने के लिए दबाव बनाने की नीयत से मकान में बाहर से ताला लगाकर युवतियों को बंधक बनाकर रख दिया। रात भर भूखी प्यासी युवतियों ने सुबह फोन पर ग्राम पंचायत के सरपंच को मामले की सूचना दी। अब कहीं जाकर सरपंच ने तहसीलदार और पुलिस को सूचना दी और साथ ही ग्राम वासियों के समक्ष युवतियों को बंधक से छुड़वाकर प्रशासन ने अपनी निगरानी बनाए रखी है। इनको रूम में ताला लगा दिए बाहर से। फिर मैं भी आई, मैं अपने इस वार्ड की पंच नजीमा बेगम है उनको भी बोली फोन करके और अपने गांव वालों को भी बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आइए। तो ये सब आए कोरबा गए थे दो लोग, एक लड़का यहाँ का छोड़ने गया था हॉटस्पॉट जगह में। अब बताइए, मैंने मना किया कि वहाँ से लोगों को मत लेके आना, वो लड़के को वापस मत लेके आना। उसके बाद लड़का वापस आ गया, हम लोग पता ही नहीं कब तक ये लोग कहाँ पर रखे थे छुपा करके। सामान तो रूम पे ला रहे थे तो लोग बोलते थे आप लोग बहुत कवर के, इसी रूम को लॉक कर दिए हम लोग, और हम लोग नाइट से बस ऐसे पड़े हुए हैं सर। आप लोगों के पास खाने वाने की भी व्यवस्था नहीं है, अब दिक्कत हो रही है, पैसा भी खत्म हो गया है, बताया जा रहा सामान भी आप लोगों का रख लिया गया है इनके द्वारा। क्या क्या रख लिया गया सर? वो गैस चूल्हा है और एक बड़ा बड़ा घड़ी है सर, और होम थिएटर है। देखिए हम लोग जब तक अपनी दीदी लोग को नहीं बुलाएंगे और जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक हम लोग को रूम मतलब ताला नहीं खोलेंगे करके, और ज्यादा बोलोगे तो हम लोग मारेंगे भी करके बोल रहे थे। और यहाँ पर कुछ सुविधाएं दिए गए हैं, बाथरूम है उसमें एक बार भी यूज नहीं होते हैं, पानी है पानी है, बस एक ही बाल्टी पानी है, फिर खोले अभी ताला खोले हैं जैसे में अचानक उनके घर में ताला बंद करके और रात भर बंद रखे, उनका सामान भी अपने पास रख लिए। फिर सवेरे जब ये बात आई तो हम लोग सब पहुंचे, पंचायत के सभी लोग आ गए, सरपंच सचिव कोटवार और फिर जो मैं खुद आया, पुलिस वाले भी सब पहुंच गए। चौकीपुर में जनपद